हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चुकंदर से बनने वाली बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आए हैं। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले हम पैन रख देंगे गैस पर, गैस की आंच धीमी कर देते हैं और इसमें हम तेल डाल देंगे एक चम्मच। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच के करीब जीरा। जीरा जब अच्छे से तड़क जाएगा तब हम डाल देंगे अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन को कूट कर इस तरह से तैयार कर लेंगे और हम डाल देंगे। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना लें। मैंने यहाँ पे एक मिर्ची ली है, एक अदरक का टुकड़ा लिया छोटा सा और एक ही कली ली है लहसुन की। उनको अच्छे से कूट लिया था और इस तरह से डाल दिया है। जब इस तरह से थोड़ा सा पक जाए अच्छे से हरी मिर्ची और लहसुन थोड़ा सा, तब हम इसमें डाल देंगे बीट रूट या चुकंदर। तो ये मैंने एक चुकंदर लिया है, उसका छिलका उतार के मैंने उसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से अब हम इसे डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए इसे अच्छे से चला लें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। इसे थोड़ी देर के लिए पका लें। वैसे चुकंदर को पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाती है। और जो चुकंदर नहीं खाते हैं वो भी इसे आपको मांग मांग के खाएंगे, इतना टेस्टी लगता है ये। तो इस तरह से इसे हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए मिक्स कर देने के बाद में हम इसमें डाल देंगे नमक। तो यहाँ मैंने नमक एक छोटे चम्मच के करीब लिया, आप नमक स्वाद के अनुसार डाल दें। इसमें मसाले भी हम डाल देते हैं। तो मसालों में हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, तो ये आधा चम्मच, छोटा आधा चम्मच से भी आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर है। और आधा चम्मच के करीब हमने लिया है गरम मसाला। गरम मसाला से आधा आप मिर्ची पाउडर ले लें, ये आपने टेस्ट के अनुसार मिर्च डाल लें। गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर डाल देने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और ये एक छोटी कटोरी के करीब पनीर है जिसे मैंने अच्छे से मसल लिया था हाथों से और वो हमने इसमें डाल दिया है। साथ में हम इसमें डाल देंगे प्याज, तो ये आधा कटोरी के करीब प्याज है। और इसी में हम डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डाल देने के बाद इसे मिक्स कर दें और इसमें चुकंदर, पनीर, प्याज और हरे धनिया की आप सेम क्वांटिटी लें। अगर आप एक कटोरी चुकंदर ले रहे हो तो बाकी चीज़ें भी एक कटोरी लें और इसे सभी को मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच करीब काली मिर्च पाउडर। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, ये मसाला बहुत टेस्टी लगता है। जो चुकंदर नहीं खाते हैं या कभी बीटरूट खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी इसे बड़े शौक से खाएंगे और बच्चे बड़े सभी से बड़े शौक से खाएंगे। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ये हमारा जो मसाला है बनके एकदम तैयार, ये फीलिंग बनके एकदम तैयार हो गई है। ये देखिए इसे थोड़ा सा और पका लेते हैं अच्छे से। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ये देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है। हम बना रहे हैं इसके पराठे। आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था, तो उस आटे में से हम छोटी सी लोई निकाल लेंगे इस तरह से और इसे हम थोड़ा सा हाथों से फैला लेंगे। या चाहे तो बेलन की सहायता से इसको थोड़ा सा बेल लें पूड़ी के शेप में छोटा। ये देखिए ये अच्छे से बिल गई है। अब इसमें हम डाल देंगे मसाला। तो मैंने अच्छा मुट्ठी भर के मसाला लिया है। आप जितना ज़्यादा मसाला भर के ये पराठा बनाएंगे आपको उतना ज़्यादा टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो इसे इस तरह से हम बंद करते जाएंगे। अंगूठे की सहायता से आप मसाले को अंदर दबाते जाएं और एक हाथ से आटे को फैलाते जाएं, तो इस तरह से एक पोटली शेप बन जाएगा और इस पोटली को पूरा एक मिलाकर इसे बंद कर देना है। कि देखिए इस तरह से पूरा पैक कर दें इसके मुँह को और इसे वापस से लोई जैसा चपटा कर दें और इसके पराठे बेल लेंगे हम। इस पर हम वापस से पलोथन लगा लेंगे यानी आटा लगा लेंगे और इसे गोल गोल बेल लेंगे। इस तरह से ये बेल के हम पराठे बना के तैयार कर लेते हैं। अब इन्हें हमें सेक लेना है, तो हम इसे घी के साथ में सेकेंगे। तो हम तवा गरम करने रख दिया है। जब तवा गरम हो जाए तब हम इसे पराठे डाल देंगे। ये पराठा आपको बहुत टेस्टी लगेगा, आप इसे बार बार बनाएंगे इसलिए। और ये हेल्दी भी बहुत होता है और पौष्टिक भी बहुत होता है। तो देखिए इस तरह से इसको हम दोनों तरफ से अच्छे से घी लगा के सेक लेंगे जब तक अच्छा ऊपर से कुरकुरा नहीं हो जाए। ये देखिए और आप इसे गरम गरम सर्व करें। ये देखिए अच्छे से घी लगा लें और इसे अच्छे से सेक लें। तो ये कुछ इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा पराठा। और इसे आप चाहे तो आलू की सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ सर्व कर सकते हैं या रायते के साथ सर्व करें आपको। और चाहे तो आप इसे कोरा भी खा सकते हैं क्योंकि ये अपने आप में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए पराठा बनके एकदम तैयार है। मैं आपको बताती हूँ कैसे बना है ये। तो इसे इस तरह से कट कर लेते हैं और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसके अंदर से फीलिंग बहुत अच्छे से भरी हुई है। देखिए ये पराठा बहुत टेस्टी लगता है, इसे आप ज़रूर एक बार बनाएं। और अगर आप ये रेसिपी पसंद करते हैं, आपको रेसिपी पसंद है, तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब करें और लाइक करें।